डांसिंग यूजली दिल से होना चाहिए, ना कि स्टेप्स पे ज्यादा फोकस होना जरूरी होता है, बट जब तक आप दिल से नहीं करते तब तक ज्यादा मजा नहीं आता। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी आने का हम सोचते हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है कि यार डांस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर डांस नहीं कर पाएंगे तो स्टार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग पे छाया रहता है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है इस बात से। लेकिन क्या वाकई इतने डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये बात बताने के लिए मेरे साथ एक अच्छे डांस टीचर कोरियोग्राफर हैं, दर्शन मेहता, जो कि यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। आज मैंने उनको आपके लिए यहाँ पर बुलवाया है जॉइन फिल्म्स से। दर्शन, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। ये जो डांस है ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, करने में बड़ी मशक्कत होती है। ऐसा नहीं है, इट्स बहुत इजी है डांसिंग सीखना, और डांसिंग यूजली दिल से होना चाहिए, ना कि स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी होता है, बट जब तक आप दिल से नहीं करते तब तक ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इट्स यूजली द सेम वे व्हेन गोविंदा परफॉर्म्स। आप जब गोविंदा को देखते हो तो इट्स मोर फ्रॉम द हार्ट दैट ही परफॉर्म्स रादर देन फोकसिंग ऑन द स्टेप्स। उसके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, ही डज इट सो नाइसली व्हेन ही डज इट विद द फेस एक्सप्रेशंस, और दिल से करते हो, दिल से तो बढ़िया लगता है वो। मतलब डांस आपको भले आता ना हो या आपको लगता है कि डांस नहीं आता, लेकिन अगर दिल से करेंगे तो लोगों के दिल तक पहुंच जाएगा, अच्छा लगेगा ही लगेगा। ओके, जब आप डांस सिखाते हो जी, तो मेनली आप किस तरह से फोकस करते हो स्टूडेंट्स पे कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और क्या इंडिविजुअली सबको अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है? कभी कभी डिपेंड्स करता है, अगर when there is a special student के मतलब इनको प्रॉपर ध्यान देना है, सो यू कम टू नो कि इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर समझो हैंड मूवमेंट्स है तो उनको हैंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कराते हैं। अगर किसी का लेग मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ वेरी क्विक, तो उनका वैसा परफॉर्मेंस होता है। बट यूजली इट्स इन माई क्लास इट्स मोर फॉर मी जस्ट स्माइल, कीप योर एक्सप्रेशंस, एन्जॉय द क्लास। अगर स्टेप्स नहीं आता है दैट्स ओके, आप दिल से करो, एन्जॉय करो, स्माइल करो, दैट्स इट। एक जो बॉलीवुड का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ जी, तो एक ऐसे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं जिनको डांस पहले नहीं आता था, लेकिन उन्होंने टेक्निकली बहुत सीखा, उसके बाद उनका भी एक फॉर्म बड़ा पॉपुलर हुआ। संजय दत्त की बात कर रहा हूं मैं जी। तो क्या वाकई ये भी एक ऐसी स्किल है जिसको सीखा जा सकता है? वो सीखा नहीं जा सकता है, वो अपने आप ही होना चाहिए। अगर से फॉर एग्जाम्पल यू कांट लर्न अ शाहरुख खान एंड कॉपी इट, देयर हैज टू बी योर ओन स्टाइल। जब तक आपका खुद का स्टाइल, यार आप खुद से दिल से कुछ क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो आपका स्टाइल, देन इट बी लाइक यू आर कॉपिंग समथिंग, यू डोंट वांट टू डू दैट। नहीं, मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि संजय दत्त ने जिस दिन ठाना कि मुझे सीखना चाहिए इसको जी, तब से उन्होंने पॉपुलर सीखा उसको, तमा तमा गाना बड़ा हिट हुआ। हाँ, मतलब बिकॉज इट्स हिज स्टाइल। अगर एज अ डांसर पर्सपेक्टिव मैं देखूँ देन ओके, बट एज अ ऑडियंस जिनको नहीं आता है और जो सोचता है कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने वो पूरा का पूरा स्टाइल दिल से किया था, ही मेड इट हिज स्टाइल, हेंस ही बिकेम वेरी पॉपुलर। मतलब अपना स्टाइल होना जरूरी जी। ओके, आपका डांस फॉर्म का कौन सा स्टाइल है? जी मैंने काफ़ी, सो आई एम बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द क्वाइट लॉन्ग टाइम, तो मैंने काफ़ी स्टाइल सीखे हैं। बॉलीवुड हो गया, हिप हॉप हो गया, कंटेम्प हो गया, बट आई माई फेवरेट इज बॉलीवुड। ओके, बॉलीवुड वैसे भी सबका फेवरेट है और बॉलीवुड सॉन्ग की वजह से हम लोग हॉलीवुड में भी जाने जाते हैं जी, एब्सोल्युटली। ओके, क्योंकि जो गाना है वो पहले आता है ऑडियंस के सामने, जो डांस नंबर है पहले आते हैं, वो हिट होते हैं तो फिल्म की हिट होने की गुंजाइश बन सकती है। तो अभी जो आप टीचिंग करते हो किस नाम से है आपका स्कूल? डांस डेस्टिनेशन। डांस डेस्टिनेशन, और कितने स्टूडेंट्स अभी तक हो चुके हैं? अप्रॉक्स 9-10,000 के आसपास। 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 लोग नाच रहे हैं इस दुनिया में आपकी वजह से, कमाल है। आप कब से नाच रहे हो? मैं 4 साल का था तब से डांस कर रहा हूँ। ओके, या क्यों अट्रैक्ट किया डांस ने आपको इतना? जब छोटा था तो मॉम वाज लाइक, मॉम सॉ मी डांसिंग अ लॉट टू फोकस माय एनर्जी समवेयर, उन्होंने मुझे एक डांस क्लास में डाल दिया, देन तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक प्रोबब्ली ऐसा। ओके, क्या डांस वाकई अपने आप एक कंप्लीट प्रोफेशन है? जैसे आप तो टीचिंग कर रहे हो लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एब्सोल्युटली सेटिस्फैक्शन है? सेटिस्फैक्शन। इनकम है? काफी है, इफ डन वेल काफी है। ओके, या मतलब आपका शौक है, अगर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आप करते करते एक दिन स्टूडेंट से गुरु बन जाते हैं, और गुरु बनके आप बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, रेस्पेक्ट भी कमा सकते हैं। बॉलीवुड के सॉन्ग क्यों इतने ज्यादा कैची होते हैं आम ऑडियंस के लिए? ज्यादा दिल से कनेक्ट होता है। कैसा होता है ना सर, बॉलीवुड के सॉन्ग हैज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स इनटू इट रादर देन द हॉलीवुड सॉन्ग। हॉलीवुड सॉन्ग इज मोर टिक 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 टिक, बॉलीवुड सॉन्ग इज मोर अबाउट
फीलिंग्स, शोइंग इमोशंस, तो वो ज्यादा कनेक्ट करता है अपने ऑडियंस को. ओके, इसलिए ये जो नए लोग हैं भले एक्टर बनना चाहते हैं या फिर डांस करना चाहते हैं, उनके मन में एक झिझक होती है, होता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, उनको आप क्या टिप्स देना चाहो कि वो बहुत इजीली अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना लें और डांस करने का मन बना लें. जो गाने का रिदम होता है वो अगर पकड़ लो प्रॉपरली, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक कि हाँ मैं कनेक्ट हो रहा है द सॉन्ग, इफ द सॉन्ग कनेक्ट्स टू यू प्रॉपरली यू कैन डू मिरेकल्स. ऐसा ऐसा, तो अगर आप गाने को समझो प्रॉपरली, यू डोंट नीड स्टेप्स. डांसिंग इज नॉट अबाउट डूइंग टेक्निकली करेक्ट स्टेप्स व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, व्हेन इट कम्स टू हिंदी म्यूजिक स्टेप. तो अगर वो आप दिल से कनेक्ट कर रहे हो सॉन्ग को, यू आर ट्राइंग टू अटैच द सॉन्ग टू योर हार्ट एंड एवरीथिंग, तो हो जाएगा आराम से. ओके, अगर आपसे कोई डांस सीखना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? कॉल करो, आ जाओ. कॉल करो, आ जाओ, और 10,000 के लोगों में, उस कम्युनिटी में आप भी शामिल हो सकते हो, आप भी सीख सकते हो. थैंक यू दर्शन. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो ये थे दर्शन मेहता, इनका एक पॉपुलर चैनल है यूट्यूब पे दर्शन मेहता के नाम से, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. इनसे सीखना चाहें तो इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा बस इस वीडियो से आपके पास बात पहुंचाने का मकसद और मतलब ये था कि डांस हम सब कर सकते हैं. आप याद करिए पुरानी सभ्यता को, वहां पर सभी लोग नाचते थे, सभी लोग गाते थे, कोई टीचर नहीं था, कोई नहीं था, बस एक बात थी कि वो झिझक नहीं थी. तो झिझक को मन से निकालिए, आप भी गुनगुनाइए, नाचिए, एंजॉय कीजिए. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. I will join films.